नाते महदी अलैहिस्सलाम समाप्त फरमाइए। हजरत कायम नजमी पर मेरी लिखी गई थी, मनाओ मिलाद दिल से लोगों, जहां में अपना इमाम आया। मनाओ मिलाद दिल से लोगों, जहां नजर से देखो है सामने हक, नजर से देखो है सामने हक, तलब का जज्बा जो कर रहे हैं बयान आका, जो कर रहे हैं बयान आका, ये इत्तबा का मकाम आया। मनाओ ये रात हक की पुकार आई के बागदी में बार आए, ये रात हक की पुकार आई के जब नजर है, ये हक के इरफान का मैकदा है, ये हक के इरफान के मैकदा है, नजर का पहला ये जामाया। मनाओ अमल
यही है सूरत नजात की बस, यही है सूरत ये कहने हक का कलाम आया। मनाओ मीलाद दिल से लोगो, जहां में अपना इमाम आया। मनाओ लीजिए, मंजिल मकसूद बहुत करीब है। जैसा कि इस शहर की एक तारीख है कि 14 जनवरी और होना तो ये चाहिए था कि उस अजीम शान हस्ती की अजीम शान है मानकर इस तारीखी शहर में जो है मीलाद भी मनाया जा रहा। पता नहीं क्या वजूहत होंगे या आपकी क्या मजबूरियाँ होंगी या अंजुमन महदविया गैरतुल इस्लाम की क्या मजबूरियाँ रही होंगी। और इसके अलावा एक वज़रात दाखिला भी है हमारे पास इजमा की सूरत में, उनके क्या अपनी परेशानियाँ होंगी कि जलसा समझ सका। कौम अगर बेदार हो जाती है 14 तारीख को जलसा करने के लिए, खुद ब खुद जलसा हो जाता है ना। मैंने इजमा पर हम इल्ज़ाम लगाए ना जो है किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाए जाए। नहीं नहीं, इससे मुराद ये नहीं था कि हम इल्ज़ाम कर रहे हैं। मैं कह ही रहा हूँ कि ना जाने कौन सी मजबूरियाँ रही होंगी, क्या रुकावटें रही होंगी। हो सकता है यहाँ से वाने वहाँ से जरूर होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत की जानिब से हमेशा अहकाम सादिर होते हैं, ना कि आवाम हुकूमत को अहकाम सादिर करते हैं। तरीका तो यही है। बहरहाल अल्लाह का फजल हाल शामिल रहा कि कुछ नौजवानों ने ये हिम्मत दिखाई कि पूरा जमादी दौर गुजर गया, जमादी स्थानी आ गया है, मिलाद नकदी नहीं हुआ। तो जैसा कि जहाँ पहुँचना था वहीं पर पहुँचे और वहाँ से जो है जो कुछ हुआ आपके सामने है। इससे मुराद यकीन मानिए ईमान की बात है कि अंजुमन महदविया हो या इजमा हो हम उन पर जो है हमारा ये नहीं है, लेकिन हम नारा ये कहना है कि जिस हस्ती की शान में यह मीलाद नबी मनाया जाना था, जिस वक्त मनाया जाना चाहिए था, उस वक्त ये नहीं हुआ, इस बात का अफसोस है। इस पर जो है सदर साहब जो है रोशनी डालेंगे। आपके बारे में बस इतना कहना है कि चेहरा खुली किताब है, उन्वान जो भी दो गौर फरमाइए, तवज्जह चाहूँगा। चेहरा खुली किताब है, उन्वान जो भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे उन्हें जान जाओगे। बहरहाल आप के बारे में मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है कि रफी उल मरतब महासिन अखलाक, इल्मी इम्तियाज़ की बिना पर काबिल ताज़ीम, अकीदे की बुनियाद पर लायक कदर, जिन्होंने अपनी सारी तमन्नाएं मिल्लत महदविया इस्लामिया के गेसु संवारने और नोक पलक दुरुस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी आज तक, और आज भी वही कर रहे हैं। और इससे बड़ा ये आपका कारनामा है कि असबाब की दौलत को बड़ी अच्छी तरह जो है संभालने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीना ब सीना दूसरों तक मुंतकल हो, ये भी आपकी कोशिश है और सारी ज़िंदगी इसी काम के लिए आपने वक्त कर दिया है। आपके अंदाज बयान के इंफरादियत असलूब खिताबत हमारे लिए मशगूल रहा है। जी जैसा कि मशहूर मिसाल है, इधर गुजर ना क्या तार गुजर, इधर तो कहने की जरूरत नहीं हमको, ये कहने की जरूरत नहीं कि इधर मतलब खुशबू है, वो बहुत इधर की जो है खुशबू आप तक पहुँच जाती है। बहरहाल हालात इतने मायूस करने नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुजरात में हालिया दिनों में जो है एक महीने तक मुसलसल आपके तबाद से वहाँ से जो कुछ भी हमने सुना है देखा तो नहीं, लेकिन इतने मुस्बत अंदाज में आपके बयान और
पैरों को बरकत का सिलसिला जारी रहा। कहावत कैसे भी हो उनको तो ये आदत सी हो गई कि वो चटेल और संगवा मैदानों में सफर करने के आदि हैं। आपको देखकर नहीं लगता कि आप जो है कभी थक जाएंगे या हार जाएंगे? अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ नबी की जानिब से, ये जो इलाज नबी जानिब से कि जो है अल्लाह ताला हम पर आपका साया हमेशा बरकरार रखे और आप महदरियत की शमा जो हाथ में जलाए हैं उसकी रोशनी में हम अपना सफर तय करें। आज दुनिया गौर से देखने के बाद, हालात का मुशाहिदा करने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये बात मैं आपके में कहूँगा कि एक ही ऐसे एक कांटा है जो आप गैर तो गैर हैं ही, अपनों के भी कुछ लोगों में जो है खटकता है। इन कीचड़ उछालने वालों से मैं यही कहूँगा कि आप जो कीचड़ उछाल रहे हैं वो उन पर गिरे या ना गिरे, लेकिन आप इतना तो सोचिए कि आपके तो हाथ गंदे हो गए, क्योंकि जो कीचड़ उछालता है सबसे पहले उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। इतना कहते हुए मैं सदर वाला मतबत से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी किताब से हमें ना आए। जहाँ मीराद का महीना शुरू होता है
महीने के मुख्तलिफ तंजीमें जो मिलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सरगर्म हो जाती है और पहली दिन से ही 12 दिन तक की पढ़ाई का इंतजाम होते हैं। महीने मिलाद रसूलुल्लाह पर का चांद देखते ही उनको भी चाहिए कि इस सिलसिले में पहल करें। मैं एक ही जैसे की बात नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि मुख्तलिफ महलाजात में नमूना मेरे बाबाम के तारों से पढ़ाई का इंतजाम हो, क्योंकि एक आदमी मुसलसल 14 दिन कहे तो मुश्किल मालूम होता है। इसलिए अगर किताब भी कोई सिलसिले में पढ़ी जाए और उसी जमन में बाद मजामी का बयान हो और 14 तारीख को एक अच्छा माहौल इंतजाम हो तो दूसरों पर भी यह बात वाजे हो जाएगी कि ये मीरा मेहनी का महीना है और मैंने भी हजरात अपने ईमान की मीरा मनाते हैं। कहने वाले कहते हैं ये सब बिदअत है, ये काम इन बातों को सुनते सुनते अपन गए। पर हम जब उनसे पूछते हैं कि सर ये बिदअत है तो क्या मीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाना भी बिदअत है? बिदअत है तो फिर उस जल से मुलाकात हो और उसमें तकरीर की दावत दी जाए तो क्यों शरीफ होते हैं? असल बात यह है, मैं आपको जो कह रहा हूँ कि मनाना चाहिए तो फकत उससे बुरा ये नहीं कि इस सिलसिले में आपको अपना मजहबी होना जाहिर करना है। एक अंधा अंधेरी रात में हाथ में शराब लेकर जा रहा था, आंख वालों ने उससे पूछा कि अरे अंधे तू तो अंधा है, शराब से तुझे क्या फायदा पहुंचेगा? उसने जवाब दिया यह शराब मेरे लिए मैंने नहीं रखा है, आप आंखों वालों के लिए रखा है कि अंधेरे में कहीं मुझे टक्कर न दे दो। तो मीराद की मस्जिद जो बनाते हैं हम अपने लिए नहीं ताकि दूसरे टक्कर न दे दें और दूसरों को